आर्ट लवर्स, आर्टिस्ट फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है वाटर कलर्स। ये एक मेथड एंड मटेरियल के ऊपर वीडियो है। इसमें मैं सारी वाटर कलर से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। वाटर कलर्स सबसे पुराने मीडियम्स में से एक है जो हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये एक टफेस्ट मीडियम है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसकी जो टेक्निक है वो हम लोग लाइट टू डार्क यूज़ करते हैं। लाइट टू डार्क का मतलब है कि आपको पहले लाइट कलर्स लगाने हैं, फिर धीरे धीरे उसको डार्क करना है। अगर आपने लाइट की जगह पे कोई डार्क कलर लगा लिया तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा, जैसे कि आपको कलर्स कौन से यूज़ करने चाहिए, ब्रशेस कौन से होने चाहिए, कलर पैलेट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से पेपर आपके वर्क के लिए अच्छे होंगे, ड्राइंग बोर्ड का क्या रोल है। फिर मैं आपके वर्क को अच्छा बनाने के लिए, कुछ फास्ट वर्क करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और फाइनली एक छोटा सा डेमो दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि और वाटर कलर्स में हम लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वाटर कलर पेंटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके आपका जो वर्क का तरीका है वो उसमें एक निखार आएगा। आपको धीरे धीरे सारे उसकी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कितना पानी यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट आएगा, कितना कलर हमें यूज़ करना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे वेदर की कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जितना ज़्यादा वर्क करेंगे और एक सस्ता जो मटेरियल होता है अब जब आप वो यूज़ करेंगे तो आप उससे ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। सपोज़ आपने एक कार्ट्रिज पेपर लिया जो कि 5 रुपीज़ तक का आता है, या फिर हैंडमेड पेपर लिया जो कि 10 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक का आता है, तो आप उस पर ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, आप उस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप उस पर एक साइड में वर्क कीजिए, फिर उसके बैक साइड में कीजिए, क्योंकि अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको पेंटिंग अच्छी ही बनानी है, तो एक डर रहता है हमारे साथ में, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कुछ भी मटेरियल यूज़ कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे वो सस्ते मीडियम से प्रैक्टिस कीजिए या फिर कुछ एक्सपेंसिव आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर या जल रंग हमें 4 तरह के फॉर्म्स में मिलते हैं। पहला है ट्यूब फॉर्म में, दूसरा है केक फॉर्म में, फिर आता है आपका बॉटल्स में, फिर आता है ड्राई पिगमेंट्स। अब मैं आपको इनके बारे में बारी बारी बता देता हूँ। सबसे पहले जो ट्यूब फॉर्म में वाटर कलर्स आते हैं उनको यूज़ करना बहुत इजी है और ये आपको लूज़ मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। इन कलर्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ इस तरह की एक पैलेट यूज़ करनी होती है। आप इसको अपने कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आप इनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं केक फॉर्म में। जो केक वाले कलर्स होते हैं ये आपको यूज़ करने के लिए एक पैलेट चाहिए होती है जो कि कुछ इस तरह की होती है। आप इसमें कलर्स को फिल करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और ये इनको लूज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थर्ड ऑप्शन है बॉटल्स में। बॉटल्स में जो कलर्स आते हैं एक्चुअली में वो वाटर कलर की दूसरी फॉर्म है जिन्हें हम पोस्टर कलर्स कहते हैं। पोस्टर कलर्स ये आपको मिलते हैं और ये एयर टाइट हो जाते हैं तो इनको सूखने के चांसेस भी कम होते हैं। चौथी फॉर्म जो होती है वो है ड्राई पिगमेंट्स। ड्राई पिगमेंट्स को यूज़ करने के लिए आपको इसमें एक बाइंडर मिलाना होता है जो कि गम अरेबिक हो सकता है या कोई और बाइंडर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिना बाइंडर को मिला के अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके पेपर पे बहुत ज़्यादा नहीं टिकेगा और ये आराम से निकल जाएगा। वाटर कलर्स को भी हम कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले जो वाटर कलर्स हैं ये ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स कहते हैं इस पर। उसके बाद आते हैं गॉश कलर्स। ये आप गॉश कलर्स ओपेक होते हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताऊंगा। ये कलर्स आपको केक फॉर्म में और ट्यूब फॉर्म में भी मिल जाते हैं। फिर तीसरा आता है पोस्टर कलर्स जो कि एक
गौश की ही दूसरी फॉर्म है, ये कलर्स भी ओपेक होते हैं, ये देखिए, और ये भी कलर्स आपको लूज मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। गौश कलर्स और टेम्परा कलर्स ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अभी बाई चांस मेरे पास टेम्परा कलर्स नहीं है। अभी हम कलर्स के बारे में बहुत बेसिक्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये कलर्स होते हैं जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, और ये आप सब लोगों ने यूज़ किए होंगे, लेकिन इसमें अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो आपको इसको रिफ़िल करना होगा इस तरह की कुछ ट्यूब से, या फिर आपको ये नया सेट लेना पड़ेगा। तो ये बहुत बेसिक से कलर्स हैं जो कि मार्केट में मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं ये वाले कलर्स, ये एक इंडियन ब्रांड है, बहुत पॉपुलर है, सभी लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है। हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी शुरुआत भी इन्हीं कलर्स के साथ में हुई है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी कलर्स हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर्स हैं। उसके बाद से थोड़ी सी एक्सपेंसिव सीरीज़ आती है, ये मिशन गोल्ड के कलर्स हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं ये, ठीक है। फिर आते हैं ये कुछ और ब्रांड्स हैं, ये डेलारोनी है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिर आते हैं विंसेंट न्यूटन, ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये विंसेंट न्यूटन के आर्टिस्ट क्वालिटी केक कलर्स हैं। ये कलर्स आपको लूज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर देके मंगाने पड़ते हैं। ये वाला जो सेट है ये तो आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर जब आपके कलर्स ख़त्म होने लगते हैं फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल आती है। ये केक कलर्स हैं, इसमें ये इस तरह से होता है, 24 शेड्स हैं। अगर आपको इनसे ज़्यादा कुछ कलर्स चाहिए तो आप उनको यहाँ पे बीच में ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली में ये एक आउटडोर कलर पैलेट है, जब बहुत हैंडी है बाहर जब आपको वर्क करना होता है, आप इसको ले जाके यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इस तरह से अंगूठा फंसा कर वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कलर पैलेट के बारे में। वाटर कलर को यूज़ करने के लिए कलर पैलेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप वाटर कलर्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले ये वाली कलर पैलेट है, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। इस ये 18 शेड्स वाली कलर पैलेट है, इसमें यहाँ पे बीच में मिक्सिंग एरिया दिया हुआ है, और इसको जो मैंने कलर स्कीम जो मैंने रखी हुई है, ये वाली कूल कलर्स को लेके रखी हुई है और ये वाली वार्म कलर्स को लेके बनाई हुई है। ये पैलेट बहुत अच्छी है और इसमें जो मिक्सिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाली कलर्स और कलर पैलेट मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको ये वाले कलर्स और ये पैलेट पिक के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अब हमारे पास आती है ये वाली पैलेट, इसमें जो कलर्स मैंने एक्चुअली में ये पूरा खाली होता है, और इसमें ये वाले जो हाफ़ पेन और फुल पेन होते हैं ये भी खाली जगह होती है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कलर्स को भर सकते हैं। उसके लिए आपको ये फुल पेन और ये हाफ़ पेन मिल जाते हैं, आप इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे बड़े वाले पेन्स आ जाएंगे, और इसको ऐसे करके लगाएंगे तो यहाँ पे छोटे वाले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक एयर टाइट कलर पैलेट है, इसमें से यहाँ पे एक रबर लगी होती है जो कि आपके कलर्स को बाहर नहीं गिरने देती, और इसमें डस्ट के जाने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पैलेट मानी जाती है। इसके बाद आती है ये एक सेरेमिक की बनी हुई पैलेट है, ठीक है, और इसमें जब आपको कुछ वर्क में डिटेलिंग वाला काम करना होता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप कलर्स को नहीं रख सकते हैं, इसमें आपको कलर्स रखने होते हैं और यहाँ पे आप मिक्सिंग कर सकते हैं। फिर ये कुछ और छोटी कलर पैलेट्स हैं, जब आपको आउटडोर में कुछ वर्क करना होता है, कुछ फास्ट वर्क करना होता है, तो ये उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये एक बड़ी कलर पैलेट है, इसमें 48 शेड्स तक आ जाते हैं, और इसका मिक्सिंग एरिया बहुत ज़्यादा है। ये भी एक स्टूडियो पैलेट है, यहाँ पे आप कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें
इस तरह से डेड लगे होते हैं और इसमें डस्ट नहीं जाती, तो ये भी एक बहुत अच्छी पैलेट मानी जाती है। फिर आती है आपकी टिन में वाइट नाइट्स की, ये पैलेट है, ये भी उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले विंसेंटिन वाली दिखाई थी। इसमें आप कलर्स को फिल कर सकते हैं बहुत इजीली, ये निकल भी जाते हैं, आप इसकी जगह कलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें जो मिक्सिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और इसके नीचे भी ऐसे थंब को फंसाने के लिए एक जगह दी हुई है, ठीक है। उसके बाद से फिर से ये एयर टाइट कलर पैलेट आती है, इसका मिक्सिंग एरिया बहुत अच्छा है और इसमें आपके 18 शेड्स आ जाते हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव हो जाता है, आप इसको अलग से रख के भी अपना मिक्सिंग एरिया बढ़ा सकते हैं। फिर एक इससे बड़ी पैलेट आती है, वो ये है, ये भी ये इसी का बड़ा रूप है, इसमें ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं और इसका ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है, आप इसको भी दोनों को मिक्सिंग एरिया की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात इनकी ये है कि ये एयर टाइट हैं तो इसमें डस्ट के जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फंगस के चांसेस कम होते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ये पैलेट ले सकते हैं। फिर एक बहुत यूनिक पैलेट है, ये देखिए, ये मैंने मोनोक्रोम कलर स्कीम के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया हुआ है। इसको यहाँ पे ऐसे स्लाइड करते हैं और ये आपका मिक्सिंग एरिया के लिए हो जाता है, और इसके नीचे भी एक ग्रूव दिया हुआ है और आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, या फिर इसमें इसको भी आप मिक्सिंग पैलेट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ ब्रशेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये वाले ब्रशेस हैं, ये मेरे पास बहुत पुराने रखे हुए हैं, ये गिलहरी के बालों के बने हुए हैं और पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे जो कि अभी बंद हो गए हैं, लेकिन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट बहुत अच्छा है, इसका बाउंस बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है ये प्योर सेबल ब्रशेस, ये भी एनिमल की उससे बने हुए हैं, ठीक है। इसका पॉइंट बहुत अच्छा है और इसका बाउंस भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये दो। उसके बाद आते हैं कुछ सिंथेटिक ब्रशेस, जैसे कि ये ब्रशेस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा बिखर जाते हैं, तो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन इनिशियली यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे पास आते हैं मॉप ब्रशेस, आजकल सबसे ज़्यादा यही वाले ब्रशेस पॉपुलर हैं और इसका पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत बोल्ड वर्क करने के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। मॉप ब्रशेस में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सीरीज़ है, जैसे कि आपने पिछले वाले ब्रश को देखा, जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो इसका एक बाल ऐसे निकल गया, ये इन वाले ब्रशेस के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर आते हैं ये वाले, ये हम इनको चाइनीज़ ब्रशेस बोलते हैं, आप इनको देख सकते हैं इस पर कुछ चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, और इनका पॉइंट बहुत अच्छा है, इनसे वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। एक ब्रश है, इसको हम बोलते हैं लाइनर ब्रश, मैं आपको थोड़ा सा कलर के साथ यूज़ करके बताता हूँ। इस ब्रश को हम बहुत फाइन लाइंस लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी पोर्ट्रेट में अगर आपको बाल बनाने हैं तो ये उसमें काम आ सकता है, किसी लैंडस्केप में आपको कुछ लाइंस लगानी है, कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स आपको बनानी है, बर्ड्स बनाने के लिए बहुत अच्छे काम आ सकता है ये।
लास्ट में ये ब्रशेस हैं, इनको हम वॉश ब्रशेस बोलते हैं। किसी एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वॉश पेंटिंग करने के लिए ये वाले ब्रशेस बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलावा वॉश पेंटिंग हो नहीं सकती। इसमें आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं। और ये वाले ऐसे बड़े बड़े पेंटिंग में वॉश करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। पेपर को गीला करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेपर को गीला करने के लिए आप चाहे कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पानी को रखने के लिए कंटेनर। पानी को रखने के लिए आपको कुछ ऐसा प्लास्टिक का सिरेमिक का कंटेनर आप यूज़ कर सकते हो। कंटेनर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जब आप पेंटिंग करें तो उसमें आपका पानी गंदा ना हो, उससे आपके जो पेंटिंग है वो गंदी हो सकती है, कलर्स डल हो सकते हैं। उसके लिए ये पैलेट ये कंटेनर्स हैं। एक ये वाला है, इसमें तीन पार्टीशंस दिए हुए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप वर्क करते करते अपने ब्रशेस रख सकते हैं, इसमें पानी भर सकते हैं। कभी आप इस वाले को यूज़ कर सकते हैं, इस वाले पार्टीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये करीब 2 लीटर का है, इसमें आपके जो पानी होता है वो जल्दी जल्दी से गंदा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ स्पंज या कोई कपड़ा रख सकते हैं जिसमें आप अपने ब्रशेस को वाइप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पेपर्स के बारे में। वाटर कलर करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी, कलर्स, ब्रशेस, पैलेट, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं पेपर्स की बारी। ये कुछ पेपर्स हैं, इनमें मैंने लिखा हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ बारी बारी। सबसे पहले हम वो पेपर यूज़ करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सस्ता है, क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग राइट हैंड से वर्क करते हैं वो अपनी पैलेट को इधर राइट हैंड साइड में रखें और पानी का कंटेनर है उसको भी राइट हैंड साइड में रखें। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही कलर लिया हुआ है जो है कोबाल्ट ब्लू और यही कलर मैं सारे पेपर्स पे आपको यूज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले कार्ट्रिज, इसका GSM होता है 100 से 120। GSM मतलब ग्राम स्क्वायर मीटर्स। एक मीटर में अगर हम ये पेपर काट के रखें 1 by 1 meter का तो ये 100 से 120 gram का होगा इसका वेट। उसके अकॉर्डिंग ये सारे पेपर्स हैं। सबसे पहले कार्ट्रिज, ये मैं आपको इसका टेक्सचर यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ, टेक्सचर को देखने के लिए कि इसका टेक्सचर कैसा होता है, कुछ ऐसे। अभी हम इसको थोड़े ज़्यादा पानी के साथ यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा पतला करेंगे। ये है आपका कार्ट्रिज। इसके बाद में एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जो कि आजकल ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है ब्रूस्ट्रो। ब्रूस्ट्रो का जो पेपर मेरे पास है ये है 300 GSM का और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी मानी जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर है तो ये आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता तो आप इस पर कुछ देर तक वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हैंडमेड पेपर है, इसका जो GSM है करीब 200 से लेके 220 तक है। ये पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, थोड़ा सा ऑफ वाइट में है। और बहुत अच्छे ग्रेन्स हैं इसमें, इसको हम पतला कर सकते हैं। पेपर बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता, स्ट्रॉन्ग पेपर है। इसके बाद जो पेपर मेरे पास है
मैंने अभी आपको ये दिखाया हैंडमेड पेपर, इसमें एक तरफ हाई ग्रेन्स होते हैं, दूसरी तरफ ये कुछ कुछ इसमें ये टेक्सचर होता है। तो जो आर्टिस्ट इस साइड पे वर्क करना चाहते हैं, जिनको इस तरफ वर्क करना पसंद है वो इधर करते हैं, और अदरवाइज मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं वो इस साइड पे वर्क करते हैं, इधर ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं। ये देखिए, फिर मेरे पास एक पेपर, इसको बोलते हैं वॉट्समैन, ये अब कम यूज़ होता है लेकिन जो इसका टेक्सचर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ कुछ डॉट डॉट से लगे होते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है मेरे पास कैंसन। आप कभी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो पेपर बोलते हैं ब्रांड के नाम से, कैंसन पेपर चाहिए, तो ये भी एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको डाइलेट कर सकते हैं। इसमें जो मुझे जब आप इस पर दोबारा कलर लगाते हैं तो फिर वो पिछला वाला कलर वहाँ से निकल जाता है। अगर कुछ स्पेशल इफेक्ट चाहिए तब के लिए पेपर ठीक है। फिर ये एक पेपर हमारे पास है, इसको बैम्बू शीट बोलते हैं, बैम्बू पल्प से बनी होती है, ये कुछ कुछ कैंसन की तरह से ही है लेकिन थोड़ा सा मुझे ये उससे बेटर लगी। हाई टेक्सचर के लिए, ड्राई कलर्स के लिए ये पेपर अच्छा है। फिर हमारे पास एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जो कि वाटर कलर करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं, ये है आर्च 300 GSM। इसका टेक्सचर, इसकी क्वालिटी, इसकी थिकनेस, सब कुछ बहुत अच्छा है। और इस पे आप ज़्यादा देर तक वर्क कर सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। फिर है फैब्रियानो 200 GSM, ये बिल्कुल कैंसन की तरह से ही है, इस पे आप अगर वर्क करते हैं फिर ओवर वर्क करते हैं तो ये नीचे वाले कलर्स निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। टेक्सचर के हिसाब से ये बहुत अच्छा पेपर है, इस पे आप ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर है वाटरफोर्ड 220 GSM, ये पेपर भी बहुत अच्छा है, नाम से ही है, वाटरफोर्ड वाटर कलर्स के लिए बहुत अच्छा पेपर है। आज से थोड़ा सा सस्ता है लेकिन अच्छा पेपर। फिर है आश 185 GSM, ये भी बहुत अच्छा पेपर है, और अपने देश में ज़्यादातर 185, 220, 300 वाले पेपर्स यूज़ होते हैं। लास्ट में मेरे पास एक और हैंडमेड पेपर है, ये 300 GSM से ज़्यादा का है, आप देख सकते हैं ये इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा है, आप इस पर कितना भी पानी लगाएं कभी भी ऐसे वेवी नहीं होगा।
आपको थोड़ा सा उसको कलर्स लगा के बताता हूँ। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ये देखिए, इस पर भी आप बहुत देर तक वर्क कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डार्क कलर्स लिए हैं, सबसे पहले इंडिगो, थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू। डार्क कलर्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ठीक से समझ में आए। मैं आपको कुछ क्लाउड्स बना के दिखाऊंगा। ये हम लोग बैम्बू पेपर यूज़ कर रहे हैं। जब तक इतने में आपका पेपर गीला होता है ये इफ़ेक्ट्स तभी काम आते हैं। अब इसके लिए आप थोड़ी सी कॉटन यूज़ कर सकते हैं। इसको पानी में डिप करके हम सारा पानी निकाल देते हैं। उसके बाद से कुछ ऐसे आपको ये क्लाउड्स का इफ़ेक्ट दिखेगा। आपको ये बार बार इसमें से पानी को निकालना होगा। क्लाउड्स की कुछ शेप आप देख लीजिए कि कौन सी अच्छी लगेगी। इसके साथ साथ ही आपको इसमें कुछ कलर्स भी लगाने पड़ेंगे जो कि थोड़े से डार्क कलर्स होंगे। हम और कर सकते हैं, आपके पेपर पे जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो 100% कॉटन पेपर होगा, एसिड फ्री होगा, तो उस पर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है क्लाउड्स बनाने की, दूसरी तरह से हमें अगर क्लाउड्स बनाने हैं तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक अलग तरीका है। दूसरा है पेपर को स्क्रैच करना। उसके लिए जब आप किसी शार्प टूल से पेपर को स्क्रैच करते हैं, जैसे अगर आपको ग्रास बनानी है, अगर पेपर आपका इतना गीला है और आप उसको स्क्रैच करेंगे तो लाइंस हमेशा डार्क आएंगी ऐसे, ठीक है। इससे आप किसी ट्री की ब्रांचेस बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये ट्री है, साथ ही में अगर कोई कलर बैकग्राउंड में है कुछ ऐसा, अगर आप उसको इतने में
स्ट्रेच करेंगे तो ये लाइंस डार्क आएंगी। जब आपके कलर्स सूख जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा सूख चुके होते हैं, उसके बाद अगर आप इसको स्क्रैच करेंगे बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में, तो वहाँ पे वो लाइंस वाइट हो जाती हैं ऐसे, जब आप ज़्यादा ज़ोर से स्क्रैच करते हैं, और कलर्स जब ज़्यादा सूखे होते हैं। तो ये एक टेक्निक है। एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं लैंडस्केप में या कहीं और पे कुछ फ्लावर्स का इफ़ेक्ट देना होता है, तो हम कुछ डार्क कलर्स लगाएंगे इस तरीके से, वाटरफॉल और कुछ बादल भी बनाए जा सकते हैं। हमने ये डार्क कलर्स लगाए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे ऐसे, ठीक है। इसके रिज़ल्ट आपको थोड़ी देर में दिखेंगे। हालांकि सॉल्ट का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे पेपर को डैमेज करता है। यहाँ पे मैं आपको वाटर कलर, गौश और पोस्टर कलर्स का फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले हम पेंसिल से थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले वाटर कलर्स लगाते हैं। ये हमने कलर्स लगाए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइंस जो हैं वो हमें दिख रही हैं। इसका मतलब हुआ कि जो वाटर कलर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके बाद से ये हैं, हम इसमें लगाएंगे गौश कलर्स। गौश कलर्स लगाने के बाद ये थोड़ा सा हमें कम दिख रहा है, लाइंस जो हैं वो कम दिख रही हैं। अभी हम लगाते हैं पोस्टर कलर। पोस्टर कलर लगाने के बाद से वो लाइंस बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, जो कि हैं। अभी तो मैंने बहुत डाइल्यूट करके लगाया है पोस्टर कलर्स को, और गौश कलर्स को थोड़ा सा थिक यूज़ किया जाता है। ये देखिए, जहाँ पे हमने सॉल्ट को स्प्रिंकल किया था वहाँ पे कलर हट चुका है। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब ये कलर्स कुछ कुछ गीले हैं, तो हम इनको आसपास से डार्क कर सकते हैं। जहाँ पे वाइट पोर्शन बचा हुआ है उसको छोड़कर हम उसको डार्क कर सकते हैं। जब तक आपके वाटर कलर्स गीले हैं आप उनसे काफ़ी देर तक प्ले कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सूखने लगते हैं फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर आप उसमें डिटेलिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे जब हम वाटर कलर्स में काम करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग बोर्ड का एंगल होता है वो करीब करीब 20 डिग्री से लेके हम लोग उसको 45 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ लोग तो उसको इतना तक यूज़ करते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको अपने वर्क में अपने कितना फ्लो चाहिए, कितना आपको उसकी ड्रिपिंग चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जो हमने सॉल्ट को स्प्रिंकल किया था वो पूरी तरह से आ चुका है इसका इफ़ेक्ट। अभी हम इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें कुछ ब्रांचेस बना दूंगा, तो ये आपको कुछ कुछ फूलों का इफेक्ट देगा। वाटर कलर करने के लिए जो मॉनसून का टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा पेपर है वो काफ़ी देर तक नम सा रहता है, देर से सूखता है, और उसमें फिर जो हमें मन चाहे इफेक्ट चाहिए होते हैं वो नहीं आ पाते कई बार, और बारिश के दिनों में वाटर कलर्स में फंगस लगने के चांसेस भी होते हैं।
अगर बहुत टाइम तक आपको वर्क नहीं करना तो आप कलर पैलेट को फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, जिससे कि उसमें फंगस नहीं लगती। ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स आते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से कि इसके सारे पहलुओं को मैं छोलूं, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।